हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल लाइफ इज़ ऑसम सिविल इंजीनियरिंग प्लान्स। व्यूअर्स, आज मैं आपको 30x40 साउथ फेस अकॉर्डिंग टू वास्तु के हिसाब से बना हुआ डबल स्टोरी बिल्डिंग का वॉक थ्रू दिखाना चाहता हूँ। वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा एंड आपको इसी तरह से और भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानकारियाँ हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेगा। चलिए मैं आपको अभी इसका घर का वॉक थ्रू दिखाता हूँ, उसके साथ ही थोड़ा सा फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन के बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा। रोड लेवल से पार्किंग कार, मीडियम साइज कार आप बिठा सकते हैं इजिली। उसके बाद वहाँ पर भी एंट्रेंस देगा, ये मेन गेट 9 फीट तक आपको जगह मिला है, 9 to 10 फीट आप ले सकते हैं। जितना आपके पास जगह है उसके हिसाब से आप ले सकते हैं, डिपेंड करेगा आपके ऊपर। एंड उसके बाद यहाँ पर कुछ स्ट्रिप्स लिया गया 6 इंच दूरी पे और बीच बीच में कुछ लाइनिंग भी लिया गया, सो बॉटम से लेकर टॉप तक कंटिन्यू। फिर उसके बाद वहाँ पे कुछ वो जो पोर्शन देख रहे हैं ना, वहाँ पे सिंगल ब्रिक रख के उन्होंने वर्किंग किया गया। फिर उसके बाद बीच में कुछ पोर्स है, छोटे छोटे पोर्स, वो आपको एक 6 इंच by 15 इंच तक मिल जाएगा। एंड ये सेम नॉर्मल एज इट इज़ इसको बॉक्स टाइप में बनाया गया। एंड ये फ्रंट एलिवेशन में हमें कुछ आप विंडो लगा सकते हैं या फिर गार्डन कर सकते हैं, और लाइटिंग का फैसिलिटी है, और ये भी और खूबसूरत दिखेगा लाइटिंग। ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन है दत्तात्री, ओके, उनके अंडर कंस्ट्रक्शन पे चल रहा है। एंड अभी मैं आपको इसका वॉक थ्रू दिखाता हूँ। एंड ऑल द क्रेडिट गोज़ टू दी टू दत्तात्री हाउस ओनर्स, ऑल टू हिम। अब यहाँ पे आपको मिल रहा है ये पूरा कंप्लीट सेपरेट टैंक लिया गया। यहाँ पे कार पार्किंग इजीली आप कर सकते हैं, मीडियम साइज कार। ये किचन, एक डोर यहाँ पे दिया गया एक्स्ट्रा इंडियन एमरजेंसी पर्पज साउथ की तरफ पे भी। एंड ये आपका वो जो स्टेयरकेस का वर्क चल रहा है यहाँ पे, एंड ये वॉल एलिवेशन टाइल्स। यहाँ से हम चलते हैं उधर, अगर आपको जाना भी है तो इस पोर्शन से आप जा सकते हैं यहाँ पे। लेट अस, ओके दोस्तों, यहाँ पे भी एक स्टेप्स दिया गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये मेन डोर, यहाँ पे लगभग आप 4 फीट रखा गया, तो 4 फीट रखने से आपको ही सफिशियंट रहेगा जगह। 4 फीट का जगह काफ़ी सफिशियंट। यहाँ पे वेल, बोरवेल, जब भी आप वेल बनाते हैं, कोई हमें पूछे थे कि अगर साउथ साउथ और नॉर्थ ईस्ट फेस में अगर हमारा वेल बोरवेल आया तो उसको एडजस्टमेंट कैसा करना चाहिए, तो वहाँ पे देखिएगा यहाँ पे प्लिंथ बीम का सपोर्ट दिया, फिर नीचे ओपन है, ठीक है दोस्तों। वैसा आप देखें वेल या फिर बोरवेल हो, आप अंडर बीम के नीचे बना सकते हैं इजीली। फिर उसके बाद नेक्स्ट मैं एंटर होऊंगा आपको मेन डोर, ऐसा मेन डोर है, यहाँ पे पैक हो जाएगा इन फ्यूचर में। मेन डोर यहाँ पे लिया गया, चलिए अंदर। ये आपका मेन हॉल, एंट्रेंस इनटू द हाउस। इसका प्लान पूरा डिटेल देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो घर का वॉक थ्रू और देख सकते हैं। यहाँ पे भी जो यहाँ पे विंडो लिया है वो 5 फीट by 4 फीट, 4 फीट डिजाइन। और जो ग्रेनाइट यहाँ पे अप्लाई किया देख सकते हैं आप, वहाँ पे बीच में कुछ गैप, फिर उसके बाद नेक्स्ट पट्टी, फिर उसके बाद ये ग्रेनाइट फुल लेंथ, तो यहाँ पे वेस्टेज बहुत ही कम हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पर कंप्लीट ओपन, अगर आपको बेडरूम में जाना है तो वहाँ से जा सकते हैं दोनों बेडरूम, तो प्राइवेसी का भी अच्छा खासा ध्यान रखा गया है यहाँ पर। इसके पीछे एक छोटा सा किचन, स्टैंड बाई किचन। सो 30x40 साउथ फेस डबल स्टोरी हाउस का वॉक थ्रो बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड अकॉर्डिंग टू वास्तु के हिसाब से दिया हुआ है। और इधर शेल्व्स बनाए गए स्टोरेज के लिए, सफिशियंट है नॉर्मल। एंड एक विंडो लिया गया साउथ की तरफ, सॉरी डोर भी लिया गया साउथ की तरफ। एंड किचन प्लेटफॉर्म, किचन का टाइल्स बहुत ही खूबसूरत। फिर इसके बाद यहाँ पे पूजा रूम का डिज़ाइन पैटर्न। एंड जो आपको कौन सा भगवान पे आप बिलीव करते हैं उनका रख सकते हैं, स्क्वायर टाइप में लिया गया यहाँ पे। किचन का साइज 6 फीट by 10-11 फीट तक मिल जाएगा आपको जगह।
सो योर एक्सपोजर रूम के ऊपर स्टोरेज भी आप चाहे तो ले सकते हैं या नहीं, आपके ऊपर डिपेंड। अब मैं दोबारा वापस हॉल में जाके आपको अंदर का एंट्रेंस दिखाऊंगा। फिर यहाँ से ही आपको एक बेडरूम और इधर एक बेडरूम, यहाँ पे आपका अटैच अटैच बाथ। चलिए अब हम चलते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। ये आपका मास्टर बेडरूम, और फॉल सीलिंग डिजाइन। एंड विंडो 3x4 feet हाइट, उसके ऊपर वेंटिलेटर। ओके एंड यहाँ पे आपको अटैच्ड बाथरूम बात मिलेगा। ये अटैच्ड बाथरूम बात। सो व्यूअर्स, मैं आपको दोबारा वापस दूसरा बेडरूम में लेके जाऊंगा। यहाँ पे अटैच्ड बाथरूम बाद बहुत ही खूबसूरत और ब्यूटीफुल। तो बाथरूम से हम दोबारा वापस आ गए एंड ये जो पैसेज एरिया था ना, यहाँ पे भी स्टोरेज के लिए जगह सफिशियंट। और ये बेडरूम में टाइल्स का डिज़ाइन देख सकते हैं आप, सॉरी ग्रेनाइट का, ग्रेनाइट वर्क बहुत ही अच्छा। ये जो पट्टी ली है ना, ये अच्छा दिखता है, बहुत खूबसूरत दिखेगा आप लोगों के लिए। एंड दो दो विंडो यहाँ पे नेसेसरी था, बिकॉज नॉर्थ और वेस्ट कॉर्नर साइड जो है आपको उजाला कम आता है, तो उसकी वजह से दो विंडो लेना जरूरी था। और एक कबर्ड शेल्स इन द बेडरूम। एंड उसका भी थोड़ा सा ज़्यादा हाइट लिया है, बिकॉज सपोर्टिंग तो चाहिए चाहिए। तो ये था कुछ इन्फॉर्मेशन इन दिस हाउस एंड उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कीप सपोर्ट अस टू रीच 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। थैंक यू सो मच, हैव ग्रेट डे।